नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। विस्फोटक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव में मिली बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यहां उन्होंने सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पंचामृत से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी दीनदयाल हस्तकला संकुल में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज ही पीएम दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद रविवार शाम अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो माँ हीराबेन से मिलने अपने घर गांधीनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। माँ ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री 10 से 15 मिनट तक यहाँ रुके, इसके बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी माने जाने वाले मेरठ के बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की अज्ञात बदमाशों ने शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिवार ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रामचंद्र, धर्मनाथ और नसीम को पकड़ा है, जिनसे वो पूछताछ कर रही है। नसीम, वसीम और गोलू पर गोली मारने का आरोप है। आपको बता दें, कल स्मृति ईरानी बरौलिया पहुंची और सुरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। इस दौरान स्मृति ने कहा कि कानून की मर्यादा में रहकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 55वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के शांतिवन पहुंचे। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर याद किया। उन्होंने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, हम देश के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी की प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की पेशकश और कुछ नहीं बल्कि खबरों में बने रहने के लिए उनका नाटक है। रॉय ने कहा कि ममता मुख्यमंत्री का पद कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उन्हें सत्ता का आनंद लेने की लालसा है। वो अपना इस्तीफा किसे दे रही है, जबकि वो खुद TMC है। UPA के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद पत्र लिखकर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं जानती हूं कि आने वाले दिन और भी मुश्किल से भरे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके समर्थन और विश्वास की शक्ति के सहारे कांग्रेस हर चुनौती को पार करेगी। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, मैं आपको वचन देती हूं कि देश के बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए मैं भी अपना सर्वस्व कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक की पिटाई पर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर भड़क गए। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट में लिखा, गुरुग्राम में मुस्लिम युवक को टोपी उतारने और जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, ये काफी खेदजनक बात है। गुरुग्राम पुलिस को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हम लोग सेक्युलर देश हैं, जहां जावेद अख्तर ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे और राकेश मेहरा दिल्ली 6 में अर्जियां जैसे गाने लिखते हैं। आपको बता दें, शनिवार को एक मुस्लिम युवक की मस्जिद से लौटते वक्त कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पीड़ित शख्स के मुताबिक आरोपियों ने उससे पारंपरिक टोपी उतारने को कहा। इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर उन लोगों ने युवक को डंडे से मारा। RSS के प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के उदयपुर दौरे पर हैं। आज वो बड़गाम इलाके में प्रताप गौरव केंद्र में भक्तिराम प्राण प्रतिष्ठा और जन समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के एक सवाल के जवाब में कहा कि राम का काम करना है तो राम का काम होकर ही रहेगा। प्रताप गौरव केंद्र के निर्माण को शुभ संकेत बताते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से सिर्फ राम नाम ही नहीं जपने बल्कि राम के लिए काम करने का भी उन्होंने आह्वान किया। दिल्ली के GB पंत अस्पताल में आज अचानक आग लगने की खबर मिली है। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर लगी। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मियों के मुताबिक आग एक डॉक्टर के कमरे के AC में लगी थी।
योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में संवाददाता सम्मेलन में जनसंख्या को लेकर कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भारत तैयार नहीं है और किसी भी दशा में भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब देश में ऐसा कानून बने जो भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे उसके बच्चों को वोट देने का अधिकार ना हो, चुनाव लड़ने का अधिकार ना हो और सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सभी सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाए। धारा 370 और 35A को लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान के अनुच्छेदों 370 और 35A को जल्दी हटाने के पक्ष में है। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, वहीं 35A सबसे बड़ी संवैधानिक गलती है जिसे संसद की सहमति के बगैर पिछले दरवाजे से जोड़ा गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों संवैधानिक प्रावधानों को जल्द हटाया जाएगा। अनुच्छेद 370 घृणा की दीवार है और कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए यही जिम्मेदार है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल एक के बाद एक तीन धमाके हुए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहला ब्लास्ट काठमांडू शहर के घर में हुआ, दूसरा धमाका शहर के बाहरी इलाके सुकेधारा में हुआ जबकि तीसरा धमाका थानकोट में हुआ। हालांकि अब तक इन धमाकों के पीछे का कारण साफ नहीं हो पाया है। वहीं नेपाल पुलिस का कहना है कि ये धमाके माओवादी संगठन ने करवाए हैं क्योंकि वहां काफी मात्रा में माओवादी संगठन से जुड़ी चीजें बरामद हुई। आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पलजोर स्टेडियम में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीना कपूर जल्द ही डांस इंडिया डांस के 7वें सीजन को जज करती हुई दिखाई देंगी। करीना के अलावा कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस और रैपर रफ्तार भी शो को जज करेंगे। हाल ही में जी टीवी के ऑफिशियल पेज पर इसका प्रोमो शेयर किया गया है। प्रोमो में करीना कपूर को गाते और नाचते देखा जा सकता है। हाल ही में जानवी कपूर और ईशान खट्टर को एक साथ स्पॉट किया गया। दोनों डिनर करने के लिए मुंबई के रेस्टोरेंट में पहुंचे थे जहां जानवी ने इस दौरान व्हाइट कुर्ता और शरारा पहना था, वहीं ईशान ने ब्लू प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट कैरी किया था। दोनों ही अपने लुक में काफी जच रहे थे। दोनों के साथ डायरेक्टर शशांक खेतान भी थे। आपको बता दें जानवी और ईशान फिल्म धड़क में साथ नजर आए थे जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्फोटक न्यूज़। नमस्कार।